Hi my besties, welcome and welcome back. I am Lavi and this is my channel That Girl In Town. So as the video title says, आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्राई के शॉपिंग हॉल के बारे में. तो रिसेंटली फर्स्ट क्राई पे जो है सेल चल रही है, सो मेक श्योर कि आप जो है एक बार वहाँ पे ज़रूर चेकआउट करो. और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ से परचेज़ किया है. जो न्यू विंटर कलेक्शन आया वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है. और यस, मैं आपको दिखाई देती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या मंगाया. उसके बाद आपको जो है देख के अंदाज़ा लग ही जाएगा कि क्वालिटी कितनी अच्छी है एंड प्राइस रेंज वाइज भी कितना अच्छा है. इवन मैं आपके साथ अपना कूपन कोड भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप जो भी वहाँ से परचेस करोगे उस पर आपको अच्छा खासा लाइक 50 to 40 और 60% तक बहुत ही आराम से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर बकवास, लेट्स क्विकली डिग इनटू. तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है वो है ये ट्राउज़र. इट्स लाइक ट्राउज़र कम जॉगर और दिस इज़ फ्रॉम लिटिल कैंगरू ब्रांड और इट इज़ फुल लेंथ सॉलिड कलर लॉन्च पैंट. इसमें जो कलर मैंने परचेस किया है दैट इज़ स्टील कलर और ये 2-3 कलर्स में अवेलेबल है. इसमें मैंने साइज़ जो दिवन के लिए परचेस किया है दैट इज़ 4 to 5 ईयर्स. तो मैं सबका जो प्राइस है वो स्क्रीन पर मैंशन करते हुए चलूँगी. तो ये इस टाइप से मुझे जो है जॉगर रिसीव हुआ है. आप देख सकते हो ये फ्लिक्स वाला जो मटीरियल होता है, तो ये काफ़ी थिक लॉन्च पैंट है और यहाँ पे ना इस टाइप से ऊपर इलास्टिक बैंड दिया हुआ है और आपको ये मतलब कमर पे अच्छे से इलास्टिक की वजह से फिट हो जाएगा. नीचे भी यहाँ पे इलास्टिक बैंड दिया हुआ है, तो इसमें ना आपको 2 पॉकेट्स में मिल जाएंगे और यहाँ पे भी अच्छा से कूल सा डिज़ाइन दिया हुआ है. देखा जाए विंटर्स के हिसाब से दीज आर वेरी गुड, मतलब मस्ट हैव प्रोडक्ट है. ओके, सो आई एम हेयर टू आंसर योर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी. सो इन प्रीवियस वीडियो ऑलमोस्ट एवरीवन आस्क्ड मी अबाउट विच फाउंडेशन यू यूज, व्हाट शेड ऑफ फाउंडेशन यू आर यूजिंग, योर स्किन लुक्स सो फ्लॉलेस, योर मेकअप लुक्स सो फ्लॉलेस. सो गाइज, आई एम यूजिंग माई फेवरेट फाउंडेशन विच इज़ फ्रॉम डमाको, दिस 2% niacinamide हाई कवरेज फाउंडेशन. So this foundation just not conceal my dark spot but it also heals my dark spot because it has some amazing ingredient in it. So this foundation comes in 7 amazing shades which suits almost all Indian skin tone. Comes from fair to light, light to medium and deep and dark. This foundation is super lightweight, gives you a 12-hour long stay. So it has 2 amazing ingredients, 2% niacinamide and 1% hyaluronic acid complex. And this is why it is a perfect blend of science and makeup. So the hyaluronic acid complex keep your skin plumpy and hydrated. And 2% niacinamide actively reduce these dark spots from within. The best part, it comes with SPF 40 and PA+++ protection against the harmful UVA and UVB rays. So I'm mentioning the link of this in description box. This product is available on Amazon, Nykaa, Flipkart and Dumaco ki website. I am giving my coupon code over there. So please make sure ki you can use my coupon code too for getting some extra discount. So guys, the best part, whenever you purchase anything from the Derma Co, they link your order with a child, जिसकी वो पढ़ाई में मदद कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ भूमि. और अभी तक वो 10,000+ स्टूडेंट की मदद कर चुके हैं अपने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत. सो वट एल्स यू नीड, यू आर गेटिंग एन अमेजिंग मेकअप प्रोडक्ट विद द क्वालिटीज़ ऑफ स्किन केयर इन इट. एंड आपके प्रोडक्ट जो है एक बहुत ही अमेजिंग कॉस्ट में भी जा रहे हैं. सो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें एंड यू कैन बाय दिस फाउंडेशन एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड यू गाइस गोना थैंक मी लेटर. सो नेक्स्ट जो है वो भी एक ट्राउजर है, लॉन्च पैंट है, जो कि ये और ये भी लिटिल कैंगरू ब्रांड से है. ये है वेफल फुल लेंथ लॉन्च पैंट और इसके अंदर ना टेक्स्ट प्रिंट इन्होंने इसका नाम मेंशन किया हुआ है. ब्लैक कलर में है. फिर से मैंने 5 to 6 ईयर की एज में मंगाई है. आई थिंक इसको मैंने बड़े साइज़ में मंगा लिया है, बट कोई बात नहीं, इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी. तो ये कुछ इस टाइप से मुझे रिसीव हुई है एंड ये ब्लैक इन कलर में है. इसमें भी आपको शायद 2 कलर ऑप्शंस मिल रहे थे, बट मुझे इसमें ब्लैक कलर पसंद आया. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिक मटीरियल पैंट, बट ये ना इट्स अ पैंट, प्रॉपर जो पैंट होती है ना ये वो वाली प्रिंट है. और जैसे थोड़ा सा कॉटराइज का मटेरियल होता है, कुछ कुछ वैसा है, बट इट इज़ नॉट कॉटराइज. इसके अंदर ना सेल्फ का थोड़ा सा डिज़ाइन है और थिक मटेरियल है. तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. नॉट अ वॉर्म वाली जो ट्राउज़र है, लाइक जैसे मैंने ये वाली लॉन्च पैंट दिखाई थी, ये प्रॉपर वूलन है. ये ऐसा नहीं है, आप इसको ना गर्मियों में भी वेयर करा सकते हो अपने बच्चे को और जो है विंटर्स में भी. नीचे आप कुछ, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो नीचे कुछ पहना के वेयर करा सकते हो. अगर नॉर्मल सर्दी है ना तो ये इतना थ्रिक इसका मटेरियल है कि नॉर्मल सर्दी में ये काम जाएगा. नीचे से ये इस टाइप से स्ट्रेट पैंट की तरह इसकी फिटिंग है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है ये ब्यूटीफुल सी स्वेट शर्ट. दिस इज बेबी हग कॉटन निटेड फुल स्लीव स्वेट शर्ट विद टेक्स्ट प्रिंटेड और इसका जो कलर है दैट इज़ ग्रीन कलर. इसमें भी मैंने 4 to 5 ईयर का साइज ऑर्डर किया है. इसमें आई थिंक सो आपको 2 या 3 कलर्स मिल जाएंगे. नहीं, इसमें ना आपको कोई कलर नहीं मिल रहा, ये सिंगल कलर है इसमें अवेलेबल। तो ये मुझे इस टाइप से रिसीव हुई है। बेबी हग की जो पैकेजिंग है वो कुछ इसी टाइप से आती है, एक जिप लॉक में। एंड ओके सो दिस इज़ द इनर टी शर्ट। बहुत ही प्यारा सा इसका मुझे जो प्रिंट लगा, और ये वाला जो नियॉन ग्रीन कलर है ना, ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर लिया। और इसका जो प्राइस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो मैं प्राइस आपको स्क्रीन पे दे ही दूँगी। तो ये स्वेट शर्ट इन्होंने बोला हुआ है, बट दिस इज़ नॉर्मली अ कॉटन फुल स्लीव्स की टी शर्ट। इसमें ऐसा स्वेट शर्ट वाला कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी थिन इसका मटेरियल है, प्योर कॉटन है। तो जो स्वेट शर्ट होती है जिसके अंदर फ्लीस होती है, तो वो थोड़ा सा आप अपने बच्चों को विंटर में पहना सकते हैं। बट इसको पहनाने के लिए आपको नीचे अच्छे से लेयरिंग करनी पड़ेगी, और ऊपर से अगर आप चाहें तो इसको जैकेट वगैरह के साथ पेयर कर सकते हैं। बट एल्स क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, और या फुल स्लीव्स है, राउंडेड इसका नेक है। तो इसको मतलब आपकी बहुत सारी बॉटम्स के साथ जो है पेयर कर सकते हैं, और देखने में तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है। सो इस बार ना मैंने एक और ट्राउज़र परचेस किया है, वो है ये है बेबी हग की कॉटन स्पेंडेक्स फुल लेंथ वॉश्ड स्ट्रेचेबल डेनिम जॉगर, ब्लू इन कलर है। ये मैंने 5 to 6 ईयर में ऑर्डर किया। मुझे समझ में नहीं आता, कभी तो मैं 4 to 5 में ऑर्डर करती हूँ, और कभी 5 to 6 में ऑर्डर कर देती हूँ। तो फॉर श्योर ये भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 5 to 6 ऑर्डर कर दिया। बट मतलब किसी में तो 4 to 5 आ जाता है, किसी में 5 to 6 आता है। तो ये भी बेबी हग की है, तो इस टाइप से आपको जो है उसमें जिप लॉक में मिलेगी। और दिस इज़ द जॉगर, डेनिम वाले जो जॉगर्स होते हैं ना वो है ये। तो मोस्टली मैं जॉगर्स इसलिए लेती हूँ क्योंकि दिवेन की जब जो ट्राउजर्स होती है वो ऊपर हो जाती है ना, तो वो सारे दिन उनको पकड़ के नीचे खींचता रहता है, तो उसको काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको जॉगर स्टाइल वाली पैंट से बनाऊँ, जिससे कि उसको ये वाली जो अनकम्फर्टेबल वाली फीलिंग है ना वो ना हो। तो इसमें भी आपको ऊपर इलास्टिक मिल जाएगी। यहाँ पर ना आपको इस टाइप से एक ये की चेन टाइप जो होता है, इस टाइप से एक डिटेलिंग दी गई है। तो ये काफ़ी क्यूट सी लग रही है। बच्चों पर इस टाइप से छोटी छोटी डिटेलिंग ना काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें 2 फ्रंट पॉकेट्स मिल जाएंगी आपको, और नीचे से इस टाइप से कॉन्ट्रास्ट यानी ग्रे कलर में आपको यहाँ पे इलास्टिक वाला जो बैंड मिल जाएगा। तो इसकी क्वालिटी अच्छी है मतलब, लेकिन जो डेनिम थिक डेनिम होती है ना ये वैसी नहीं है। इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कॉटन है, तो कॉटन डेनिम है, बहुत ही थिन वाला डेनिम है। तो गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है, बट विंटर्स में आपको फिर से इसमें ना आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, और जो प्रॉपर डेनिम होती है थिक वाला वैसा इसका मटेरियल नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा इसलिए इसका जो क्वालिटी में डाइसी फील हो रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ ना डेनिम की जो क्वालिटी है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, क्योंकि लाइट डेनिम वाली जो क्वालिटी है ना वो बच्चे फाड़ी लेते हैं। आई डोंट नो क्या करते हैं लोग इसके साथ, बट बहुत थिन मटेरियल है इसका। अगर अभी जॉगर है तो इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसका मटेरियल थिन है, बट अगर डेनिम होती तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। नेक्स्ट मैंने ना देवेन के लिए एक फुल स्लीव्स टी शर्ट परचेस किया है, जो कि ये है डोरेमी सिंगल जर्सी फुल स्लीव्स टी शर्ट विद बी क्रिएटिव प्रिंट, ब्लू कलर में ये बोला गया है। 4 to 5 ईयर इसमें मैंने परचेस किया है। ये ना मैंने इसलिए परचेस किया है, इसमें जो वाइट और ये जो इस टाइप से वाइट और ब्लू की जो लाइनिंग है ना, एक यूसीबी की टी शर्ट है देवेन के पास हाफ स्लीव्स की, वो उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तो जब मैंने देखा तो ये फुल स्लीव्स में भी मिल रही थी, तो आई थॉट इसको जो है परचेस कर लेते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला मेरा फर्स्ट क्राई का हॉल देखा होगा तो डोरेमी की मैंने ना पहले भी 2-3 टी शर्ट्स जो है परचेस की हुई है। तो इनकी टी शर्ट जो इनका एक्चुअल साइज़ होता है, बाकी आप ब्रांड से जैसे बेबी हग वगैरह से मंगाओगे उनके साइज़ के कंपैरेटिवली ये बड़ा साइज़ आता है इसका। तो इसमें मैंने 4 to 5 ईयर परचेस किया है। और इस टाइप से इनकी जो पैकिंग है ना वो काफ़ी अच्छी सील पैक्ड आती है, लाइक यहाँ से भी सील पैक्ड होती है। आपको इस टाइप से पूरा टियर करना पड़ेगा, उसके बाद इसका जिप लॉक जो है ये खुलेगा। जैसे नमकीन वाली पैकेजिंग होती है ना इनकी, कुछ कुछ वैसे पैकिंग होती है। ओके, अब इसका जिप लॉक अब खुला है, तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो मुझे अगर इसका मैंने 4 to 5 साइज़ मंगाया, अगर 3 to 4 ईयर का भी साइज़ मंगाती तो भी ये कम्प्लीटली फिट होता, बट दिस इज़ सो लूज़। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लूज़ फिट भी अच्छी रहती है। इसका प्योर कॉटन मटेरियल है, काफ़ी थिन मटेरियल है, लाइक वही विंटर्स में तो आपको 2-3 कपड़े इसके नीचे पहनाने ही पड़ेंगे। एल्स वैसे मतलब मटेरियल वाइज ठीक है, कलर बहुत प्यारा है, और यहाँ से आपको इस टाइप से इलास्टिक वाली डिटेल्स दी हुई है। तो ये मुझे पसंद आई। सिर्फ मैंने इसके कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ले ली, क्योंकि देवेन के ऊपर ये वाला कलर कॉम्बिनेशन ना काफ़ी अच्छा लगता है। सो दिस इज द टी शर्ट और यहाँ पे बी क्रिएटिव प्रिंट हुआ हुआ है। तो इस हॉल का लास्ट आइटम, बट दिस वन इज़ माय फेवरेट, मैंने ये वाला जैकेट परचेस किया है। दिस इज़ फ्रॉम कुकी किड्स, फुल स्लीव स्वेट जैकेट, सॉलिड कलर और ये ब्लू इन कलर में। इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और मैंने जो इसमें साइज़ परचेस किया है दैट इज़ 4 to 5 years। तो ये मुझे कुछ इस टाइप से रिसीव हुई है जिपलॉक बैग में। एंड दिस इज़ सो गुड, लुक एट दिस। मतलब इस टाइप के फ्लीक्स वाले जो कोट स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आगे से इसमें ना इस टाइप से बटन्स वाली डिटेलिंग है, यहाँ पे आपको 2 पॉकेट्स मिल जाएंगी, कॉलर वाला इस पर डिटेलिंग है एंड अंदर से इसमें ये वाली सॉफ्ट वाली फ्लीस लगी हुई है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है। और इसकी स्लीव्स पर यहाँ से इलास्टिक वाली डिटेलिंग है, तो ये बार बार स्लीव्स ऊपर नहीं जाएंगे, अच्छे से यहाँ पर ग्रिप हो जाएगा। तो इसको पहनने में अंदर से भी ये बहुत कम्फर्टेबल रहेगा और बाहर से भी बहुत कम्फर्टेबल रहेगा। कलर इसका वैसे इन्होंने ब्लू बोला हुआ है, तो ये इट्स अ पाउडर ब्लू शेड, बट हो सकता है ये थोड़ा ग्रे भी लग रहा हो, क्योंकि अगर रियल लाइफ में आप इसको दूर से देखोगे तो थोड़ा ये ग्रे लगेगा, बट इट्स अ पाउडर ब्लू कलर। तो कलर वाइज इट्स अ क्यूट वन एंड दिस इज सो क्यूट। इसमें ना कुछ मैं अपने लिए भी ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे भी कुछ इस टाइप का कोट सा मिल जाएगा, लाइक जैकेट सी मिल जाएगी, तो हम दोनों कोट टाइप कुछ कर पाएंगे। तो लेट्स सी, मुझे वैसे पसंद आई तो इसलिए मैं देख रही थी कि कुछ मुझे भी मिल जाए, बट आई लव द क्वालिटी। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी जैकेट है और ये काफ़ी थिक भी है, तो विंटर्स में ये बहुत अच्छी रहने वाली है, ये काफ़ी अच्छी सर्दी रोकने वाली है बच्चे की। तो आई लाइक इट, आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको ये पसंद आ रही है, इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है, तो आप अपने बच्चे के लिए परचेस कर सकते हैं। सो यार, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। कूपन कोड मैंने अपना यहाँ पे शेयर कर ही दिया आप लोगों के साथ, आप इसको यूज़ करिए, आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। और मैंने और भी जो है फर्स्ट क्राई से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हुए हैं, तो जैसे ही वो भी आ जाते हैं इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये कलेक्शन कैसा लगा और आप अपने बच्चे की शॉपिंग कहाँ से करते हैं। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।